हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आम और गुड़ की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको लौंजी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने चार कच्चे आम ले रखे हैं। आम के हिसाब से मैंने यहाँ पे इतना गुड़ ले रखा है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा आम और गुड़, जितना आपको खट्टा और मीठा पसंद है। कच्चे आम को धो के अच्छे से काट लेंगे, छिलका इनका निकाल के गुठली रख लेंगे और आम रख लेंगे। तड़के के लिए इधर मैंने थोड़ी सी मेथी ले रखी है, सौंफ ले रखा है, जीरा ले रखा है, कलौंजी ले रखा है जिसको मगरेल भी बोलते हैं, और इधर थोड़ी सी हींग ले रखी है। अमिया को हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। हम गुठली भी डालेंगे, आपकी च्वाइस है, अगर आपको गुठली डालनी है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कभी कभी अमिया ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, खट्टी मीठी सी होती है, तो उसके हिसाब से ही आप उसमें गुड़ डालिएगा, जैसा आपको टेस्ट में पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल 2 चम्मच डाला है। आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगी। इसी के साथ हम ये आम भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर भूनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, आधे से भी थोड़ा सा कम हल्दी डाल देंगे, आधे से चम्मच में इसमें नमक डालेंगे, ये देखते हुए कि इसमें अभी हमें काला नमक भी डालना है और बाद में चाट मसाला भी। इसे अच्छे से मिला के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के पकने देंगे। अब हम इसमें ये गुड़ भी ऐड कर देंगे। आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही डाल दे रही हूँ। अब हम हाई से लो फ्लेम पे गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसी के साथ साथ हमारी ये अमिया भी और पक जाएंगी। खट्टा इसे आम ने बना दिया था, मीठा इसे गुड़ ने। चटपटा अब हम बनाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। ये रेडी हो गया, अमिया गुड़ की चटनी रेडी हो गई है। ये बहुत यम्मी लगती है, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।